Plank वाले पोजीशन में आपको आ जाना है लाइक दिस एंड एक लेग को ऊपर करना है एंड अपर वे में रेस करना है लाइक दिस ग्लूव को स्क्वीज करते हुए सामने की तरफ देखना है एक लेग को ऊपर करके अच्छे से रेस करना है सेम चीज आपको अपोजिट लेग से करना है पैर ऊपर करके सामने की तरफ देखना है एंड ऊपर की तरफ रेस करना है जब ऊपर रेस कर होंगे तो ग्लूट्स को अच्छे से स्क्वीज़ करना है ताकि आपके ग्लूट्स में ये अच्छे से आ सके सबसे इंपॉर्टेंट होता है जब भी हम लोग कोई वर्कआउट को, को परफॉर्म कर रहे हैं स्पेशली हम लोग अपने हिप फैट के लिए कर रहे हैं तो आपका जो ग्लूट्स होता है मतलब आपका जो हिप होता है वो अच्छे से इंगेज हो रहा होगा जब मैं इस पोजिशन में आई तो आपको ऊपर ले जाके अच्छे से इस तरीके से आपको स्क्वीज करना है प्लैंक वाले पोजिशन में और यहाँ पर जब आप परफॉर्म कर रहे होंगे तो यहाँ आपको वो चीज़ फील हो रहा होगा तो इस तरीके से गाइज आपको हर

फ्लोर को टैप करना है देन ऊपर आके लेग ट्विस्ट करना है सेम अपोजिट है नीचे जाके फ्लोर टैप एंड देन लेग को ट्विस्ट करना है ये चीज आपको फास्ट मोशन में करना है लाइक like दिस फ्लोर टैप लेग ट्विस्ट

एंड फिर एक पैर को अप करना है लाइक दिस इस तरीके से एंड देन ग्लूट्स को स्क्वीज करते हुए पल्स करना है बॉडी स्ट्रेट रखना है बॉडी मूवमेंट कम करना है ऊपर की तरफ आपको इस तरीके से पल्स करना है वन टू थ्री फोर फाइव पूरा आपका यहां पर ग्लूट्स इंगेज हो रहा होगा ग्लूट्स को स्क्वीज करते हुए आपको परफॉर्म करना है सेम चीज आपको अपोजिट लेग से भी करना है ऊपर आएंगे इस पोजिशन में सामने की तरफ देखना है एंड इस तरीके से ग्लूट्स को स्क्वीज करते हुए पल्स करना है लाइक दिस वन टू सामने की तरफ रुकावट के लिए खेद दे लेकिन मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आप लोग में से 40 लोगों ने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर दो एंड लेट्स कंटिन्यू फोकस ग्लूट्स को स्क्वीज करते हुए एंड पल्स परफॉर्म करना है लाइक like दिस ऐसे करते हुए गाइज आपको परफॉर्म करना है ग्लूट्स को इंगेज करके रखना है ताकि अच्छे से वो परफॉर्म हो सके ये आपके टोनिंग में बहुत ज्यादा हेल्प करता है एंड एक्सेस फैट को निकालने में बहुत ज्यादा हेल्प करता है कितना करना है तो ट्वेंटी ट्वेंटी का बोथ साइड से थ्री सेट्स लगाने हैं सो गाइज हमारे नेक्स्ट वॉक है डीप स्कॉट्स वॉक ये अमेजिंगली आपके ग्लूट्स को टारगेट करता है उसको टोन करने में अपलिफ्ट करने में एक अच्छा शेप में लाने में बहुत ही ज्यादा हेल्प करता है कैसे परफॉर्म करना है ये सीखते हैं मैं आपको साइड वे से बता रही हूँ लाइक दिस आपको एक पोजीशन में आ जाना है चेस्ट आप रखना है बैक आर शोल्डर के विथ में लेग का पोजीशन होगा लाइक दिस फुल डीप बैठना है लाइक दिस एंड देन वॉक करना है इसी पोजीशन में पूरे ग्लूट्स को एंगेज करते हुए सामने की तरफ देखते हुए डीप स्कॉट वॉक देन खड़े होंगे देन टर्न अराउंड सेम नीचे जाना है एंड डीप स्कॉट वॉक करना है ग्लूट्स को इंगेज करते हुए लाइक दिस एंड देन खड़े होंगे लाइक दिस सेम चीज टर्न अराउंड फुल डी बैठना है ग्लूट्स को एंगेज करते हुए सामने की तरफ आपको वॉक करना है लाइक दिस देन खड़े होंगे सेम चीज टर्न अराउंड एंड डीप स्क्वाट्स करते हुए वॉक करना है ऐसे करके गाइज आपको परफॉर्म करना है जब एक बार आप ऐसे जाते हो तो ये वन काउंट होगा फिर जब टर्न राउंड होकर इधर आते हैं तो ये टू काउंट होगा ऐसे कर करके आपको पंद्रह पंद्रह का टोटल थ्री सेट्स लगाने हैं सो हमारे नेक्स्ट वर्कआउट है अल्टरनेट रिवर्स लेग इसको कैसे परफॉर्म करना है आइए सीखते हैं इसके लिए आपको मैट में लेट जाना होगा पेट के बल लाइक दिस इस तरीके से आप लेट जाएंगे हाथ आप किस तरह से भी रख सकते हो लाइक दिस सामने की तरफ देखना है एंड लेग आपको रेस करना है अल्टरनेट लेग रेज लाइक दिस सामने की तरफ देखेंगे ये रेस करना है देन अपोजिट लेग लाइक दिस पूरा आपका ग्लूट्स यहाँ पर टारगेट हो रहा होगा सामने की तरफ देख के एक लेग को रेस करना है देन अपोजिट लेग को रेस करना है स्लोली ऊपर जाना है देन स्लोली दूसरे लेग से ऊपर जाना है पूरा आपका यहाँ पर ग्लूट्स टारगेट हो रहा होगा सामने की तरफ देखना है अल्टरनेट लेग को रेज करते हुए इसको इस तरीके से परफॉर्म करना है बहुत अमेजिंग वर्कआउट है गाइज आपके कंप्लीटली ग्लूट्स को टारगेट करता है उसको टोन करके आप लिफ्ट करने में बहुत अमेजिंगली हेल्प करता है सो so, गाइज ऐसे ही करके आपको इसको परफॉर्म करना है कितना करना है तो पंद्रह पंद्रह के टोटल लगाने हैं थ्री सो सोज so हमारे लास्ट वर्कआउट है बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल वर्कआउट है कैसे परफॉर्म करना है खड़े होना है, like नीचे जाना है से फ्लोर को टैप करना है फुल बॉडी को खोलते हुए जम्प करना है लाइक दिस नीचे जाएंगे फुल बॉडी को खोलते हुए जम्प नीचे फुल बॉडी को खोलते हुए जम्प और ये चीज आपको फास्ट मोशन में करना है लाइक दिस नीचे गए पूरे बॉडी को खोलते हुए जंप नीचे पूरे बॉडी को खोलते हुए जंप फुल स्पीड मोशन में करना है पोजीशन पोस्टर पे ध्यान देना है एंड फुल स्पीड में करना है नीचे पूरे बॉडी को खोलते हुए जंप नीचे पूरे बॉडी को खोलते हुए जंप इस तरीके से आपको स्टार जंप को परफॉर्म करना है कितना करना है तो 2020 का फोर लोग ये सोचते हैं है है, है, उनको लगता है कि उन्हें रिजल्ट मिल जाएगा। तो ये कभी भी नहीं होने वाला है वर्कआउट जितना इंपॉर्टेंट है उतना ही ज्यादा इंपॉर्टेंट डाइट भी है दोनों इक्वली इंपॉर्टेंट तो, तो अगर आप इसके साथ साथ बायोस्लिम ले रहे हो तब भी आपको अपने डाइट पे ध्यान देना होगा और एक्सरसाइज पे भी ध्यान देना होगा तो अगर आप वर्कआउट कर रहे हो फुल डेडिकेटेड हो गए तो उससे

Lots of...